हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वारसी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सी निहारी की रेसिपी। आज हम निहारी बनाना देखेंगे कैसे बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है निहारी। आप इसे किसी भी ओकेजन पे अपने गेस्ट के आगे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, देखते हैं निहारी कैसे बनती है। इसके लिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ये दो मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे चॉप कर लिया है, और 2 टेबलस्पून हमने निहारी का मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और 1/2 कटोरी हमने मैदा ली है जो हम निहारी में ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून हमने भुना ज़ीरा पाउडर लिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने सॉल्ट लिया है। वैसे तो 1 टेबलस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टेबलस्पून हमने ये गरम मसाला पाउडर लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। 1/2 किलो हमने निहारी का गोश्त लिया है, हमने मीडियम फ्लेम पर कुकर को रख दिया है, और इसमें अब हम ऑयल डाल देंगे। हमने इसमें 2 कप घी ऑयल डाला, हमने सरसों का ऑयल लिया है। अब हम इसमें ये तेज़पत्ता ऐड कर देंगे पहले, फिर अब हम थोड़ी प्याज ऐड कर देंगे इसमें। प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इसमें गोश्त भी डाल देते हैं, जो हमने निहारी के लिए गोश्त लिया था इसमें हम सारा गोश्त ऐड कर देंगे। अब हम गोश्त को 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेते हैं। अब देखिए, इसमें 1 टीस्पून हम इसमें जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पानी है इसलिए हम इसे 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब देखिए, इसमें हम सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, जो जो हमने इंग्रेडिएंट्स में लिए थे वही सब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम इसमें निहारी मसाला भी ऐड कर देंगे। आप इसमें निहारी मसाला कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का आप निहारी मसाला इसमें डाल दिएगा। अब देखिए, इंग्रेडिएंट्स में हमने जो प्याज ली थी उस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है इस प्याज को। अब देखिए, थोड़ी प्याज जो है हम इसमें डाल देते हैं और थोड़ी प्याज हम इसे रोक लेते हैं, आधी प्याज डालेंगे और आधी रोक लेंगे। अब हम इस पर लिड लगा कर रख देंगे इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए कुक करने के लिए। अब 1/2 घंटे के बाद देखिए, हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए, सारा ऑयल भी इसमें से सेपरेट हो गया, बहुत अच्छी तरीके से ये भुन चुका है। अब हम इसमें 1 टमाटर ऐड कर देंगे इसको चॉप करके। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इसमें चिकना कितना अच्छा तरीके से इसका रोगन हुआ है। अब इसका जो रोगन होता है, इसका चिकना हम अलग निकाल लेते हैं। 1 कटोरी में हम इसे अलग निकाल लेंगे। अब देखिए, हमने ये 2 टेबलस्पून मैदा ली है, इसे हम भून लेते हैं ताकि इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी बने। अब देखिए, ये भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे ठंडा करके निकाल लेते हैं। अब देखिए, मैदा का घोल बनाकर हम इसमें डाल देंगे, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल थिक हो जाएगी, ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। हमने इसका घोल बना लिया है, इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। और देखिए, इसमें हम थोड़ा सा और करीब 1/2 कप पानी और डाल देंगे। इसमें हमने तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड किया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हमने जो भगाड़ के लिए प्याज रखी थी आधी बचाकर, उसको हम डाल देंगे इसमें अच्छी तरीके से, उसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो रोगन इसका अलग निकाल कर रख दिया था, वो भी इसमें ऊपर से डाल देते हैं।
देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये निहारियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। गार्निशिंग के लिए हम इसमें थोड़ा लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब देखिए थोड़ी सी हम चॉप करके इसमें हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। दो हरी मिर्च चॉप कर ली है। जूलियन कट में हमने ये जिंजर ली है, इसको भी हमने जूलियन कट करके इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये निहारी लग रही है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम तली हुई प्याज डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।